इधर अमित शाह के हुंकार के साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर भी कस ली है। शाह के दौरे के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मिशन 25 फतह करने में जुटी बीजेपी विचारधारा के विस्तार और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी से पिछड़े लोगों को फिर से घर वापसी करवाने की तैयारी में है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही बीजेपी से छिटके नेताओं की पार्टी में वापसी का असर दिखाई दे सकता है। अमित शाह के मंत्र से संजीवनी पाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिशन 25 में जुट गए हैं। शाह ने कार्यकर्ताओं से राजस्थान की सभी सीटें जीतने का आह्वान किया, तो वहीं सूबे का संगठन पार्टी के कुनबे के विस्तार में जुटा हुआ है। पार्टी के नेताओं की माने तो जो भी पार्टी की विचारधारा में भरोसा रखता है और उसके जुड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, ऐसे लोगों को संगठन से फिर से जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि सभी बागियों का तो नहीं, लेकिन उन लोगों की घर वापसी हो सकती है जो पार्टी की विचारधारा मजबूत करेंगे और चुनाव के नजरिए से फायदेमंद होंगे। ऐसे लोग चाहे वो अभी दूसरे दल में होंगे या हो सकता है जो चुनाव लड़े हुए लोग उनमें से भी हो सकता है, या ऐसे लोग भी जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दृष्टि से फायदेमंद हो सकते हैं, विभिन्न समाज वर्गों के भी हो सकते हैं, ऐसे सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का एक अभियान लेके प्रयास करना चाहिए। बागी करेंगे बेड़ा पार। सुरेंद्र गोयल, जयतारण, राजकुमार रणवा, रतनगढ़, हेम सिंह भड़ाना, थानागाजी, धन सिंह रावत, बांसवाड़ा, सुरेश टांक, किशनगढ़, ओम प्रकाश हुडला, महुआ, देवेंद्र कटारा, डूंगरपुर, लक्ष्मी नारायण दवे, मारवाड़ जंक्शन, नंदलाल बंशीवाल, दौसा, नवनीत लाल निनामा, घाटोल, जीवाराम चौधरी, सांचोर, बालचंद अहिर, रामगंज मंडी, प्रहलाद राय टाक, श्री गंगानगर, उदयलाल भड़ाना, मांडल, कुलदीप धनखड़, विराटनगर, अनीता कटारा, सांगवाड़ा, किसनाराम नाई, डूंगरगढ़, दीनदयाल कुमावत, फुलेरा, देवी सिंह शेखावत, बानसूर, निशीत बबलू चौधरी, झुंझुनू, सुखराम कोली, बसेड़ी, ओम नरानीवाल, भीलवाड़ा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के बयान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखा जा रहा है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि संगठन से बिछड़े लोग फिर जुड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बड़ा परिवार है और इसमें कुछ कारणों से कुछ लोग विधानसभा के चुनाव में पार्टी छोड़ कर के गए, तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने इसके लिए चुनाव है। तो इसलिए जो भाजपा परिवार के कुछ लोग जो किसी न किसी कारण से मैं पार्टी से विलग हुए हैं, ऐसे लोग यदि पार्टी में आएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी और सब एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने इसके लिए सब लोग कृतसंकल्पित रहेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों और बगावत के चलते तकरीबन 40 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि इनमें से सुरेश टांक चुनाव जीते हैं, ऐसे में वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि बीजेपी में शामिल होने पर टांक की सदस्यता खत्म होना तय है। वहीं ओम प्रकाश हुडला खुद पार्टी छोड़ चुके हैं और महुआ से मौजूदा निर्दलीय विधायक हैं, ऐसे में उनकी भी घर वापसी संभव नहीं है। लेकिन दूसरे नेताओं के लिए तो पार्टी नेतृत्व का यही निर्देश राजनीतिक संजीवनी बनता दिख रहा है। हालांकि किसी भी कार्यकर्ता की घर वापसी स्थानीय संगठन की सिफारिश पर ही संभव होगी। विधानसभा अनुसार लोकसभा अनुसार सूचियां बन रही है और उसमें वहां के हमारी स्थानीय परिस्थितियां, वहां के लोकल की हमारी यूनिट, लोकल के जो पूरी पार्टी की टीम है वो क्या कहती है, उसके अनुकूल फिर उस पर निर्णय होगा। पार्टी से छिटके लोगों को फिर से जोड़ने की कवायद के निर्देश मिलने के बाद पार्टी की कोशिश पिछड़ों को जोड़ने की तो होगी ही, साथ ही मिशन 25 हासिल करने के लिए नए लोगों को भी कुनबे में जोड़ा जाएगा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में चुनाव जीतना चाहेगी, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसके लिए पार्टी किसी भी स्तर तक के लिए जाने को तैयार है।